सेकेंड जो रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी है वो है बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, फॉर्मड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशी राम। तो 1984 में बनी थी, काफी पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, तो कांशी राम की लीडरशिप में ये बनी थी। और ये जो आम आदमी पार्टी है, ये आपको पता ही होगा कि केजरीवाल जी जो हैं उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी बनी थी, मतलब अरविंद केजरीवाल जी और उनके जो साथी थे उनके साथ आप बनी थी। अब बात करते हैं बीएसपी की, तो बीएसपी में जो लीडरशिप रही वो कांशी राम जी की रही। देन सीक टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज एंड बहुजन समाज विच इंक्लूड्स दलित, आदिवासी, ओबीसी एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो ये जो बहुजन समाज पार्टी है, ये बेसिकली जो माइनॉरिटीज है ना और जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए ये पार्टी बनाई गई, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनकी बातें, उनके मुद्दे रखने के लिए इस पार्टी को बनाया गया। तो दलित, आदिवासी, ओबीसी एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, इन सब के लिए ये पार्टी खड़ी होती है। ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज एंड टीचिंग्स ऑफ साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर एंड बाबा साहेब अम्बेडकर। तो ये जो बीएसपी है वो किन के आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, कहाँ से ये इंस्पिरेशन निकालती है? तो जो साहू महाराज के जो टीचिंग्स हैं उन पर बेस्ड है ये पार्टी। महात्मा फुले जो हैं, ज्योतिबा फुले जो हैं, उनके टीचिंग्स पे ये पार्टी बेस्ड है। जो पेरियार रामास्वामी नायकर हैं उनके आइडियाज, उनके टीचिंग्स से भी ये पार्टी इंस्पिरेशन लेती है। इसके साथ साथ बाबा साहेब अंबेडकर जी जो हैं उनके टीचिंग्स, उनके आइडियोलॉजी से भी ये पार्टी इंस्पिरेशन लेती है। स्टैंड्स फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ दलित्स एंड ऑप्रेस्ड पीपल। ये किस लिए खड़ी है, किस किन मुद्दों पे बात करती है? दलित्स के साथ जो अन्याय होता है, दलित्स के साथ जो ऑपरेशन होता है, जो अत्याचार होता है, उसके खिलाफ ये आवाज उठाती है। दलित्स को उनकी जो रिस्पेक्ट है वो दिलाने की ये मांग करती है। इट हैज इट्स मेन बेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड सब्सटेंशियल प्रेजेंस इन नेबरिंग स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब। तो बीएसपी का जो मेन बेस है, गढ़ जो है वो उत्तर प्रदेश है, बट इसके साथ साथ आसपास के जो स्टेट्स हैं जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब में भी बीएसपी एक्टिव है, मतलब वहां पे भी प्रेजेंट है। तभी तो नेशनल पार्टी, क्योंकि काफी सारी स्टेट्स में ये प्रेजेंट है। फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश सेवरल टाइम्स बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्टीज एट डिफरेंट टाइम्स। तो बीएसपी ने काफी बार उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट बनाई है अलग अलग पार्टीज का साथ लेके, अलग अलग पार्टीज के साथ गठबंधन बना के जो बीएसपी है वो कई बार गवर्नमेंट में आई है। इन द लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2019 इट पोल्ड अबाउट 3.63% वोट्स एंड सिक्योर 10 सीट्स इन लोकसभा। अब देखो बीएसपी ने 2019 के इलेक्शंस में 10 लोकसभा सीट जो है वो जीती, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है। जो क्राइटेरिया था वो सिर्फ और सिर्फ 4 लोकसभा सीट जीतने का था, बट काफी सारी पॉलिटिकल काफी सारी सीट्स जो हैं लोकसभा में जीती हैं, एंड 3.63% वोट जो है इसने गेन किया है। तो इसका मतलब ये अपने आप में वैसे काफी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी है और इसीलिए इसको नेशनल पार्टी का दर्जा जो है दिया गया।